अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं रजनपुरी हाट के अंदर। ये तहसील कोटद्दू डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ में ये हाट मौजूद है। यहाँ पर तकरीबन 50 से ज़ायद बकरे यहाँ पर फार्मिंग कर रहे हैं, कमर्शियली फार्मिंग है। अब देखें, बड़े ये इनकी उम्र इतनी नहीं है, लेकिन कुछ बकरे यहाँ पर मौजूद हैं जो 1.5 साल की उम्र के हैं। यहाँ पर ये फीमेल गोट्स भी रजनपुरी मौजूद हैं, क्योंकि ये अपने रखी हुई हैं ब्रीडिंग के लिए। और देखें, बहुत ही प्यारे नज़र आ रहे हैं अब बकरे, और कुर्बानी के करीब ये बकरी यहाँ पर ये इनको फरोख्त करेंगे और अच्छा खासा मुनाफा कमाएंगे। और ये देखें, माशाल्लाह बहुत प्यारे बकरे यहाँ पर मौजूद हैं कुर्बानी के लिए। ये तैयार हो रहे हैं, इनकी उम्र 1.5 साल है, और कुर्बानी तक ये काफ़ी वेट भी गेन कर लेना है और इन्होंने काफ़ी हाइट भी गेन कर लेनी है। खुराक के बारे में मैं इनके बताता हूँ। अभी तो ये घास, खुराक के बारे में मैं आपको बताता हूँ। खुराक इनकी अब तो ये है कि ये घास वगैरह खाने में मसरूफ़ हैं, लेकिन जो इनकी जो वज़न गेन करने के लिए जो खुराक है वो गंदम है, और सीड्स वगैरह जो होते हैं उनको ग्राइंड करके देते हैं, मकई वगैरह, ठीक है। उसके अलावा कुर्बानी के करीब ये हाथों पर खाना शुरू कर देते हैं, इनको हाथों पर खिलाते हैं, और फिर ये बहुत अच्छा हैवी किस्म का ये वेट गेन कर लेते हैं। लेकिन माशाल्लाह ये कितनी प्यारी खूबसूरत ब्रीड है ये रजनपुर की। रजनपुरी जो ब्रीड है ये पूरी दुनिया में मशहूर है गोश्त के हवाले से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वेट गेन करता है। एटलीस्ट 6 मंथ तक ये इसका गोश्त ये वज़न कर लेता है। और यहाँ पर ये 50 बकरे रखे हुए हैं रजनपुरी, और इसको कमर्शियली फार्मिंग कर रहे हैं भाई निजाज अहमद दफ्तरी साहब, इनके ओनर हैं। और ये मुल्तान रोड के ऊपर ये मौजूद है, कोट तहसील कोटद्दू में, चक नंबर 153 ML, ठीक है, चक नंबर 153 ML में ये मौजूद है ये फॉर्म। और ये इन्होंने काफ़ी अरसे से ये इस तरह का ये फार्मिंग कर रहे हैं रजनपुरी बकरों की, और माशाल्लाह मैंने लास्ट ईयर भी इनके पास आया था, बहुत ही खूबसूरत बकरे इनके पास मौजूद थे। अब भी बहुत अच्छे किस्म के, बहुत ही प्यारे बकरे ये फार्म कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं। देखिए, अगर आप ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।